सच बताऊं, लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जो करते हैं ना बहुत आसानी से हो जाता है, पर वो इतना आसान नहीं होता। बेसिकली मैं गुजराती हूँ, मेरे बोलने के ढंग में भी वो गुजरातीपन आता ही है, तो उसको माइनस करने में, फिर राजस्थानी लहजा पकड़ने में और राजस्थानी शब्द बोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे ट्यूटर दिया है, जो कभी भी मैं अगर लहजे से छूटती हूँ या क्या है कि गुजराती में श एस एच श बहुत क्लियर बोलते हैं, राजस्थानी में वो सही बोलते हैं, तो वो ना मैं गलती से बोल दूँ। डेली सोप है, रोज़ काम करना है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ी है और करती ही रहूँगी जब तक ये शो चलेगा। आपके लुक के बारे में पूछना चाहूँगी, जैसे कि कहा गया कि राजस्थानी करके, तो किस तरह के गहने कैरी कर रहे हैं? गहने कैरी, सिर्फ गहने नहीं हैं, ये टैटूज हैं, फिर गहने हैं, फिर इतना घेरदार घाघरा है, तो काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टीज हैं इसकी टेक्निकल। मैं पूछती थी किसी को कि राजस्थानी औरतें इतना सारा कपड़ा गहना पहन के कैसे घूमती होंगी। अब मैं यूज़ टू हो गई हूँ, पर ऑफकोर्स इट इज़ सो नाइसली डिज़ाइन, इतना सुंदर अलग ही लुक मेरे को दे रहा है ना, तो बींग अ फीमेल यू नो, अच्छा कुछ पहनने मिले तो औरत तो खुशी हो जाती, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड देन आई फॉरगेट कि ये मेरे को हैवी लग रहा है, ये मेरे को पेन कर रहा है, फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, मोबाइल यहाँ लगता है, तो वो सब अभी यूज्ड हो गई। मतलब जब भी अटायर चेंज करना पड़ता है तो सारे ऑर्नामेंट्स निकालने पड़ते हैं, फिर पहनना पड़ता है, फिर सो दिस आर पार्ट ऑफ माई ड्यूटी एंड आई एम एंजॉइंग नाउ इट। क्या है ना कि हमारे परफॉर्मेंस की जब बात आती है ना, तो इट इज़ नथिंग अगेंस्ट एनीथिंग, पर लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है सबसे पहले, तो कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, और अपनी तरफ लोगों की नफ़रत पैदा करना भी बहुत मुश्किल है। मतलब उन्होंने आपको देखा है अलग अलग सीरियल्स में, जिसमें आप अच्छे अच्छे ही हो, स्वीट स्वीट स्वीट, तो उसमें से निकाल के लोग आप पे आपको नफ़रत करें, इतना मतलब आप में वो ऑरा आप डेवलप करो, वो मेरे लिए एक चैलेंज है और वो चैलेंज मेरे को निभानी थी, तो मेरे लिए ये रोल एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि लवी डवी सास की जगह पे एक राक्षसनी, मतलब शी इज़ लाइक वो परफॉर्म करना मेरे लिए चैलेंज है, सो आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू इट। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सीरियल्स हैं जो सास बहू से है, नागिन से है, कहीं ना कहीं तरीके से हर रंग मतलब दिए गए हैं, आपको क्या लगता है इन सब के बीच क्या एक जगह मतलब बना पाए इस तरह की ये कहानी है? मैं बेसिकली थिएटर से हूँ और दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारी बोला जाता है कि नौ रंग होते हैं, तो वो नौ में से एक ही बात होगी, पर वो बात आप कैसे प्रेजेंट करते हो अलग तरीके से, अलग ढंग से, वो मायने रखता है। ओके, स्टैंड अप प्लीज, प्लीज स्माइल। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Okay,
स्टैंड अप पे आगे बच्चा शोल्डर किया सेट ओवर दी प्लीज एंड नाउ वन मोर हियर एंड सेंटर प्लीज अरे बाकी बहुत सारा अभी ओके लाइन कहती है कि अगर ये जीत जाएंगी तो पिया इनके हो जाएंगे अब वो पिया तो पक्की है हाँ वो पिया कौन है राक्षस है या कोई और है ये तो पता नहीं ये तो सस्पेंस है इट्स लाइक सस्पेंस सो सबको देखना पड़ेगा शो और इट्स अ वंडरफुल स्टोरी जो कि अपना बीस एंड ब्यूटी जो आप सब लोग फेरी टेल जो कहानी हम बचपन में सुनते आए थे उसका हिंदी वर्जन है उसका एक हिंदी अपने हिंदुस्तान के हिसाब से उसको हमने मोल्ड करके ऐसे लेके आ रहे हैं ऑडियंस के सामने और हर ऑडियंस को हमेशा मतलब ग्रे शेड नो डेविल खलनायक ही अच्छे लगे हैं और खलनायक को अगर मोहब्बत हो जाए राजकुमारी से तो फिर कोई हीरो आता तो अच्छा लगता नहीं है सो ऐसी सी कुछ एक है कहानी मुझे पता नहीं है मैं तो सोच रहा हूँ दिमाग कैसे चला रहा हूँ मतलब राजकुमार आएगा या फिर राक्षसी राजकुमार होगा या ये तो आपको देखना पड़ेगा अधिराज रजावत आधाराज हासिल कर लिया है पूरा इसको उठा के ले आऊँगा तब हो जाएगा सो अधिराज रजावत इज द कैरेक्टर नेम एंड इट हैज लॉट ऑफ ग्रे शेड वेरी क्रूल वेरी रूड वेरी दिल नहीं है उसके जीने में है ही नहीं मतलब ही डजंट फील एनी इमोशंस फॉर एनीबॉडी नो फीलिंग्स वेरी हार्टलेस पत्थर है स्टोन एकदम और बचपन जमीन से उठा है तो एक कैसे अच्छा स्पेशली इसके लिए बहुत बुरा है वो तो छोड़ देगा नहीं तैने तो छोड़ देगा नहीं है छोरा सो बट ही डजंट नो दैट कंपटीशन देवी चौहान से है और देवी चौहान अपनी कहानी खुद लिखती है और हारने वालों में से नहीं है तो शी विल नेवर गिव अप शी हैज अ नेवर गिव अप एटीट्यूड और वो जो भी काम शुरू करती है उसको पूरा करती है और जीत के ही पूरा करती है तैने सही जा रही है छोरी से जा रही है Of course, like the amount of mixed feelings you have पहले शो में वो तो सब है ही the obvious mixed feelings आज भी है मेरे मन में after so many shows yeah even when you've done a lot of shows when कुछ नई शुरुआत होती है तो ये emotion एकदम obvious है ही और साथ साथ The joy, each bone, each cell in my body is like jumping with happiness. So more than anything, I'm just happy. No other feelings, just happy, happy, happy. She's living the moment. Yeah. अरे मैं कहाँ senior हूँ मुझे तो कुछ आता नहीं है I'm just like myself is learning too much. In a very good way, he does show seniority. He actually teaches me a lot. I'm very. मोहतरमा के लिए कुछ ready कर दो चीज़ No, actually very good, very supportive co-actor. कभी ऐसा नहीं हुआ लगा मुझे कि I'm like very new and he's so experienced. He doesn't make me feel like that. So I'm very thankful. I'm glad. The whole team, entire team is such बहुत बहुत ही अच्छे लोग हैं. And I'm learning every day. And I'm glad कि they are a part of my learning process. मैं बहुत सारे पैसे दे के आया उनको बाहर. अच्छा बोलना बुरा मत बोलना. हर इंसान के अंदर आई थिंक बीस्ट है हर इंसान के अंदर बीस्ट है कुछ लोग उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं कुछ लोग नेगेटिव में यूज़ करते हैं जो नेगेटिव में यूज़ करते हैं उनकी खबरें हमें अक्सर मिल जाती हैं गली चौराहे में यहाँ वहाँ जो पॉजिटिव में यूज़ पॉजिटिविटी के साथ यूज़ करते हैं वो एकदम तुर्रम का टॉप लेवल पर एकदम होते हैं ना सो आई थिंक बीस्ट नेचर में भी है बीस्ट इंसानों में भी है बीस्ट जानवरों में भी है अगर मैं नेचर की बात करता हूँ तो बीस्ट नारियल का पेड़ बीस्ट है वो एकदम टॉप पे ऊपर वो कहता है भाड़ में जाए दुनिया मुझे ऊपर पहुँचना है चार पाँच पत्ते निकालता है चार पाँच नारियल के पेड़ निकालता है
बट बीच तक अगर बात करें तो सेब का पेड़ भी है, छाए उसकी जो शेडो बनती है, रात को डरता है आदमी ना उतना तो, बट वो दुनिया के बारे में सोचता है, एप्पल देता है, बहुत सारे, सो इट्स एवरीवेयर. सो ये जो बीस्ट है वो कितना गंदा है, कितना बुरा है, पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में है, वो तो कहानी बताएगी आकर, आगे चलकर. कहानी हमें मालूम ही नहीं है अभी तक, राइटर्स ने बताई. बट वी ऑल नो कि एवरी बीस्ट हैज अ ब्यूटीफुल साइड इनसाइड. अगर किंग कॉन्ग बीस्ट था, उससे प्यार हो जाता है लड़की को, सोचो तो मैं तो इंसानों में किंग कॉन्ग हूँ ना, तो हो सकता है ना, एनीथिंग कैन हैपन. Center only, please.